हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइम जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एयरलाइंस के विषय को सामने ला रही हूँ। यस, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड टोटल एविएशन के लिए ही, क्योंकि एविएशन जो मार्केट है इट्स अ ग्लोबल मार्केट। तो इसको खाली इंडिया के अंदर इसको अगर हम सीमाबद्ध रखने की कोशिश करते हैं तो ये गलत होगा। नया एयरलाइंस है अकासा एयरलाइंस, ये बहुत जल्द आने वाला है। इनको DGCA का परमिशन भी मिल गया है। आपको पता है कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। एंड इसमें जो मेन खासियत है इस एयरलाइंस की कि दूसरे एयरलाइंस के जो बड़े बड़े पर्सनल बन चुके हैं ये सारे इस एयरलाइंस में आ रहे हैं फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द टोटल जो मतलब शुरू के दिन से ये सारे लोग एज अ फाउंडर, एज अ CEO, एज अ को फाउंडर, ये सब में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ कुछ मतलब नाम को लेके जो बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। ये सबसे पहले बात है कि जेट एयरवेज को शायद आप लोगों ने भूले नहीं है, बहुत जल्द जेट एयरवेज भी दोबारा लॉन्च करने वाले हैं। तो जेट एयरवेज का जो टॉप मैनेजमेंट थे ये सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं अकासा एयरलाइंस में। मिस्टर विनय दुबे, ही वॉज द फाउंडर एंड CEO ऑफ अकासा, एंड ये जेट एयरवेज का CEO थे। ये जो अकासा एयरलाइंस है इट इज़ अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस। ये फाउंडेड बाई जो बिलेनियर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुंझुनवाला। अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस मतलब जो फेयर होता है, मतलब एयर फेयर होता है, ये इससे कई कम होगा। हाँ, दूसरी चीज़ से फैसिलिटी थोड़ा कम मिल सकता है, जैसे अगर एक्स्ट्रा बैगेज के लिए मतलब बैगेज का जो लिमिटेशन है ये थोड़ा आपको कम हो सकता है, या एक्स्ट्रा बैगेज के लिए ये चार्ज कर सकते हैं, ये बात अलग है, बट इसका फेयर लो होगा। अकासा एयरलाइंस एक बेंगलुरु बेस्ड एयरलाइंस है, एंड मैंने आपको बताया है कि ये जो एयरलाइंस ULCC अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर इस कैटेगरी में पड़ता है, एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाय आयरिश कैरियर रायन एयर। तो आपको पता चल ही गया है कि इंडिया में भी आप ULCC आ रहा है। 70 एयरप्लेन्स ये लोग ले रहे हैं फॉर द स्टार्टिंग, एंड वर्ल्ड्स लो। और अगर बोला जाए कि कौन सा एयरलाइंस सबसे बेस्ट है या नंबर वन है फॉर वर्ल्ड्स लो कॉस्ट अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस में, तो ये आता है साउथ वेस्ट एयरलाइंस के नाम, एंड जो बेसिकली USA से ऑपरेट होता है ना, आसपास के एरियाज भी कवर करता है। ये जो नया एयरलाइंस आता है इसमें आप लोगों का जो करियर का अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोई भी नया एयरलाइंस आता है तो उसमें पायलट भी चाहिए, केबिन क्रू, ग्राउंड क्रू, RSA, TSS, CSS सब पोस्ट चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, डिस्पैचर्स चाहिए। तो इसीलिए आप खुद को तैयार करें, एंड बहुत जल्द मैं इस एयरलाइंस का डिटेल्स कहाँ पर आपको जमा करना है फॉर्म वगैरह, या फिर कहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं, इसका डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी। एंड तैयार होते रहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि तैयार होने में भी टाइम लगता है। एयरलाइंस का वैकेंसीज तो कभी भी आ जाता है, फिर आ जाए तो फिर रेडी होके जाओ और वहाँ पे जाके अप्लाई करो एंड खुद का जो पोटेंशियल है उसको दिखाओ। तो चलिए ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कॉमेंट भी करिएगा। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।